नया साल जब से आया है तब से बॉलीवुड में भी नई नई फिल्मों का आगाज हो गया है। हालांकि ये साल कितना अनएक्सपेक्टेड है इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि 2021 में तीन ऐसी बड़ी फिल्मों की अनाउंसमेंट हुई है जिनको लेकर बॉलीवुड के गलियारों में कोई खास चर्चा या बज ही नहीं थी, लेकिन जब ये फिल्में अनाउंस हुई तो लोग एक्साइटेड हो गए। और आइए अब इसी के साथ आपको बताते हैं उन तीन बड़ी फिल्मों के बारे में जिनकी अनाउंसमेंट से लोग हो गए हैरान। नंबर वन, एनिमल। रणबीर कपूर ने नए साल के पहले ही दिन में अपने फैंस को धमाकेदार सरप्राइज दिया। 1 जनवरी 2021 को रणबीर की आने वाली फिल्म एनिमल का ऐलान किया गया। इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ अनिल कपूर, परिणीति चोपड़ा और बॉबी देओल जैसे स्टार्स नजर आएंगे। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है कबीर सिंह के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने। अनिल कपूर, परिणीति और डायरेक्टर संदीप रेड्डी ने फिल्म का ऑफिशियल वीडियो भी शेयर किया था। जाहिर है कि फिल्म एनिमल को लेकर काफी टाइम से चर्चा तो थी, लेकिन रणबीर कपूर पूरी तैयारी के साथ न्यू ईयर के मौके पर इसका धमाकेदार ऐलान कर देंगे इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। नंबर टू, फाइटर। ऋतिक रोशन ने अपने जन्मदिन पर फिल्म फाइटर की अनाउंसमेंट कर दी। ऋतिक ने अपने सोशल मीडिया पर मोशन पोस्टर के साथ फाइटर का ऐलान किया। लोगों को इस बात का बिल्कुल आइडिया भी नहीं था और ना ही मीडिया को इस बात की भनक लगी कि ऋतिक और दीपिका साथ में एक फिल्म करने जा रहे हैं। तभी तो जब ऋतिक ने फाइटर का ऐलान किया तो सबके होश ही उड़ गए और इसके बाद तो फिर ऋतिक दीपिका के फैंस मारे खुशी से झूम ही उठे। आपको बता दें कि सिद्धार्थ आनंद ने अपनी स्टाइलिश एक्शन फिल्म के लिए पहली बार बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत एक्टर्स ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को एक साथ कास्ट किया है और अब सबकी निगाहें हैं फिल्म फाइटर पर। नंबर थ्री, अश्वथामा। जिस फिल्म के अनाउंसमेंट ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं वो है विक्की कौशल की साइंस फिक्शन फिल्म अश्वथामा। विक्की कौशल जल्द ही उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब आदित्य धार की नई फिल्म द इमोर्टल अश्वथामा में नजर आने वाले हैं और आज इस फिल्म का पोस्टर भी सामने आ चुका है। विक्की कौशल ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के पोस्टर शेयर करते हुए ऐलान किया कि अपनी ड्रीम टीम के साथ वो एक नए सफर पर रवाना होने वाले हैं। फिल्म का पोस्टर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने के मौके पर शेयर किया गया है। विक्की ने फिल्म के 2 पोस्टर शेयर किए हैं जो कि काफी जबरदस्त दिख रहे हैं और फैंस भी इस पोस्टर को काफी पसंद कर रहे हैं। ये फिल्म माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड पर बेस्ड है। इस फिल्म के किरदार में ढलने के लिए विक्की ने काफी तैयारियां भी की हैं और विक्की इस फिल्म के लिए मिक्स मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस फिल्म में विक्की कौशल महाभारत के महान योद्धा अश्वथामा का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म की शूटिंग 2021 के अप्रैल में शुरू होनी है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म 3 पार्ट्स में रिलीज होगी जिसमें अश्वथामा को मॉडर्न दिनों के सुपर हीरो के तौर पर दिखाया जाएगा और महाभारत में अश्वथामा कौरवों की ओर से लड़े थे और वो गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे जिन्हें अमृतत्व प्राप्त था। वही वाकई में 2021 के आते ही ऐसी ऐसी फिल्मों का ऐलान हो रहा है जिसके बारे में लोगों को कुछ मालूम भी नहीं था। इससे साफ है कि 2021 बॉलीवुड के चाहने वालों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस से भरपूर होगा और क्या पता कि अब आने वाले टाइम में और कौन कौन सी नई फिल्मों की अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिले। लेकिन तब तक कमेंट सेक्शन में हमें इन 3 फिल्मों के बारे में जरूर बताइएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।